अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो आज की इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास तकरीबन पांच एक चीज़ें हैं, ठीक है। पहले नंबर पे तो हमारे पास पांच नहीं, तीन दो पांच एक छह चीज़ें हैं, जिसमें से हमारे पास तीन वॉशिंग मशीन है, ठीक है, विद ड्रायर के साथ, और दो हमारे पास कुकिंग रेंज और एक आईफोन 6 है, ठीक है। आज की वीडियो में ये चीज़ें हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे न्यू हो, भाई के चैनल को करो सब्सक्राइब, साथ में ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करो ताकि आप लोगों को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिलता रहे। यार, अगर आप लोगों ने मेरा ट्रैवल एंड फूड वाला चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो रिक्वेस्ट है, यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, तो प्लीज़ उसको भी जाके लाजमी सब्सक्राइब करो। एक हज़ार सब्सक्राइबर चाहिए यार, पूरे कर दो किसी तरीके से भी, जैसे मर्जी कर दो, भाई की मदद करो, हेल्प करो, हेल्प 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 कहते हैं ना, हेल्प हेल्प हेल्प। वो टिकटॉक पे ट्रेंड चला था हेल्प 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 का, तो भाई की हेल्प 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 करो यार। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉशिंग मशीन की। अच्छा, मैं प्राइस रेंज भी आप लोगों को पहले बता दूं ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए। एक एक 9,700 रुपये में है, एक वॉशिंग मशीन 10,000 रुपये में है, और एक 10,000 रुपये में, एक 9,700 में, एक 8,000 रुपये में है। कुकिंग रेंज एक जो है वो तकरीबन 8,500 रुपये में, पांच बर्नल में, ठीक है। दूसरा 8,000 रुपये में, पांच बर्नल में। और आईफोन जो हमारे पास 6 है वो 64 GB में है और 18,500 रुपये में। प्राइस रेंज ये है सारी, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम अपनी हायर की वॉशिंग मशीन की। तीनों ही हायर की हैं और कंडीशन इसकी ऑल ओके है, किसी किस्म का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। मैं आप लोगों को फिर भी यहाँ पे इसने सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, दोनों साइड बिल्कुल फिट फाट चलती हैं, मतलब कि दोनों चीज़ें यार दोनों ठीक हैं, किसी किस्म का कोई भी दोनों में प्रॉब्लम नहीं है। समनाबाद लाहौर में मौजूद है। 9,700 रुपया मांग रहा है, तो लगभग कितने तक, मतलब कि 8,000 रुपये तक अगर दे दे तो बेहतर हो सकता है सीन, ठीक है। आप लोगों में से अगर किसी को भी वॉशिंग मशीन में ड्राई की ज़रूरत है लाहौर में तो वो परचेज़ कर सकता है। दूसरे नंबर पे भी हमारे पास हायर की वॉशिंग मशीन आ जाती है। अच्छा, आपने करना क्या है, तीनों मॉडल, मतलब कि तीनों के पहले पहले मॉडल पूछने हैं जिस जिस सिटी में भी हैं। अगर आप लोगों को वैसे भी पता है तो आप लोग फिर उस हिसाब से प्राइस की बात कर सकते हो। अगर आपको न्यू का नहीं पता कि न्यू कितने की आ रही है तो फिर आप मॉडल उनसे पूछ के फिर आप गूगल कर लेना। गूगल करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा न्यू कितने की है और पुरानी हमें कितने में लेनी चाहिए। तो फिलहाल ये भी हायर की वॉशिंग मशीन आपको देखने को मिल जाती है, ऑल ओके, एक्सीलेंट कंडीशन है भाई, और 10,000 रुपया मांग रहे हैं। इस्लामाबाद में मौजूद है ये, इस्लामाबाद वाले परचेज कर सकते हैं। 10 kg की कैपेसिटी है इसमें, ठीक है, वॉशिंग मशीन में। और इसका मॉडल आप लोग पूछ लेना पहले क्या मॉडल है, और वो हायर की वॉशिंग मशीन है तो उसके मुताबिक आप इसके साथ प्राइस रेंज की बात कर सकते हो इस्लामाबाद में, ठीक है ना। इस्लामाबाद वाले परचेज़ कर लेंगे। उसके बाद फिर हायर की वॉशिंग मशीन है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसका जो स्पिनर है ना वो स्पीड में थोड़ा कम है, ठीक है, मतलब कि इतनी ख़ास उसकी स्पीड नहीं है, चलता ज़रूर है पर स्पिन की ना स्पीड नहीं है। बाकी वॉशिंग मशीन ठीक है, ओके है, स्पीड का अब देख लेना क्या इशू है, तो ये तो आपको जाके पता लगेगा, थोड़ी कम नहीं है या बिल्कुल ही बंद है, फ़र्क आ जाता है ना। ये ना ना हो कि जब आप जाएँ तो वो अगला बंदा ये कह दे कि यार चलता था, पता नहीं कैसे बंद हो गया ये, अब चल नहीं रहा, मैंने लिखा हुआ था बस थोड़ी स्पीड कम है, अब तो बिल्कुल बंद हो गया। ऐसा सीन भी होता है, हुआ हुआ है ऐसा सीन, तो इसलिए आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग भी थोड़ा सी एहतियात करना, पहले ही थोड़ी सी वीडियोस बना के ले लेना कि यार चला के दिखा दो, चल भी रहा है कि नहीं, बिल्कुल ही बंद है। अगर बिल्कुल ही बंद है फिर तो आप लोगों को, आप लोग समझदार हो कि कितनी प्राइस में आपको चीज़ परचेज़ करनी चाहिए, करनी भी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो फिर आप पे डिपेंड करेगा। तो ये इस टाइम रावलपिंडी में मौजूद है, 8,000 रुपये मांग रहे हैं भाईजान, तो रावलपिंडी वाले परचेज़ कर सकते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है कुकिंग रेंज, जो कि पाँच बर्नर के साथ आपको 8,500 रुपये में मिल जाता है। ओवरऑल ओके है भाई, किसी किस्म का कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है, सिंगल भी प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक है, फिर बता दूं, गौर से अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बर्नल नहीं है भाई, ठीक है, वो बर्नल आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है, पर बर्नल नहीं है, ठीक हो गया। बर्नल आपको मार्केट से परचेज करके इसके ऊपर ला के रखना होगा और देन फिर ये ओके हो जाएगा। बाकी सब कुछ ओके है, ठीक है, कराची में मौजूद है, 8,500 रुपये मांग रहे हैं, तो बर्नल करके आप
छुड़ा सकते हो पैसे। पता है, अगर किसी चीज़ में छोटा सा फॉल्ट हो ना, उसके बदले में इंसान काफ़ी अच्छे खासे पैसे छुड़वा लेता है, क्योंकि जिसने बेचनी है उसने तो बेचनी ही है, उसने बेचने के लिए ही लगाई है। अब परचेज़ करने वाले के पास एक ऑप्शन नहीं है, बहुत ऑप्शन है, और सेल करने वाले के पास कुछ ऑप्शंस आती हैं जो कि मतलब जिनको ज़रूरत होती है। 1, 2, 3, 4, 5 कस्टमर आ गए, अब उसके साथ अगर किसी की बात नहीं बन रही तो उसके पास ऑप्शन ख़त्म होते जाते हैं। पर परचेज़ करने वाले का ये सीन है कि वो 100 जनों को भी टच कर सकता है, ठीक है ना। अब सेल करने वाले को 100 जने थोड़ी टच करेंगे, इतना इतना लंबा मतलब कि चौड़ा टाइम नहीं होता, पर वो जल्दी ही सेल कर देता है। बहरहाल कराची में मौजूदा भाई 8,500 रुपये मांग रहे हैं, तो कराची वाले परचेज़ कर सकते हैं। फिर आखिरी फिर बर्नल आ जाता है हमारे पास कुकिंग रेंज। ये भाई ओके है यार, बहुत अच्छी कंडीशन में ये कुकिंग रेंज आपको देखने को मिल जाता है। बॉडी वाइज भी कंडीशन इसकी काफ़ी अच्छी लगी है मुझे। सियालकोट में ये मौजूद है, ठीक है, नेशनल कंपनी का कुकिंग रेंज है, और 8,000 रुपया प्राइस भी कम है, 8,000 रुपये में सेल कर रहे हैं। तो सियालकोट वाले यार इसको परचेज़ कर सकते हैं, नेशनल कंपनी का है। फिर बात करेंगे iPhone 6 की। iPhone 6 यार 64 GB में आपको देखने को मिल जाता है, एवरी थिंग इज़ ओके है, एवरी थिंग, ठीक है। iPhone 6 है, 64 GB है, गोल्डन में है, PTI प्रूफ है, कलर फिर कंडीशन आ जाती है 10x10, फिंगरप्रिंट वर्किंग में है, होम बटन वर्किंग में है, कैमरा 10x10 है। बैटरी हेल्थ पे आगे मुझे डाउट हुआ था कि उसने लिखा हुआ है भाई 100% बैटरी है। अब 100% बैटरी का मतलब ये होता है कि डब्बा बैग जब इंसान फ़ोन लेता है तब 100% आईफोन की बैटरी होती है, अगर 100% उसके अलावा बैटरी हो तो समझ लो कि बैटरी को चेंज किया गया है, बैटरी चेंज हुई है, क्योंकि चेंज होने के बाद ही वो 100% कैपेसिटी बैटरी की दिखाता है अंदर से सेटिंग में जाके। तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि बैटरी देख लेना यार, बैटरी चेंज हुई होगी, पर ये कह रहा है नहीं, एवरीथिंग ओके, और एक्सेसरी के साथ दे रहा है ये सिर्फ चार्जर। चार्जर आप लोगों को मिल जाएगा, लाहौर में मौजूद है, iPhone 6 है, 18,500 रुपया भाई मांग रहे हैं। तो आप लोग बाकी आप लोगों ने बात करनी है कि आप लोगों को कितनी प्राइस में iPhone 6 64 GB में समझ में आता है विद चार्जर के साथ। ये आज की वीडियो में चीज़ें थी, वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को ज़रूर लाइक शेयर कमेंट करो। अच्छा, मैं ऑफर टाइम वाले अपने मेन चैनल पे लाइव आऊँगा, अगर आप लोगों को लाइव में ज्वाइन करना है तो कल या परसों इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टाइम बता दूंगा कौन सा टाइम है, तो आप उस टाइम मुझे ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी चीज़ चाहिए आप लोग मुझे बता सकते हो, वहाँ पे भी मैं इंशाल्लाह लाइव में भी देखूंगा, कोशिश करूंगा आप लोगों को चीज़ें देख के बता दूँ, और थोड़ी सी गपशप लगाएंगे, जो भी आप लोगों को क्वेश्चन है वो आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, भाई को लाजमी दुआओं में याद रखा करें, खुदा हाफिज़।